कम ज़्यादा करता है। प्लास्टिक के ऊपर जो चमक होती है ना, उसको हम कम ज़्यादा कर रहे हैं एक्चुअली स्पेक्युलैरिटी का इस्तेमाल करके, स्पेक्युलर वैल्यू का इस्तेमाल करके। तो ये कम स्पेक्युलैरिटी और ये ज़्यादा स्पेक्युलैरिटी कॉमन सी बात है, इसको नॉर्मल वैल्यू पे रखते हैं। रफनेस को हम कम ज़्यादा करेंगे, तो ये दोनों का मिश्रण है, जैसे अदरक लहसुन होता है ना सब्जी के अंदर, वैसे ही कुछ है। रफनेस थोड़ा सा ये है अभी, इसको 0.5 करते हैं। इसका भी जो है मेटालिक 0 करके रफनेस 0.5। अब एनिसोट्रॉपिक, ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए कुछ खास सेटिंग करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो जाती है। मैं इसको थोड़ा नया नया फ्रेश रखना चाहता हूँ, तो एनिसोट्रॉपिक को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। बात करेंगे शीन की, ये शीन है जैसे वेलवेट के ऊपर एक कलर सी आती है ना, अब यहाँ पे दिखेगा या नहीं पता नहीं, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ शायद दिख जाए। मैं ओवरले बंद कर रहा हूँ ताकि वो आउटलाइन चली जाए। ये जो ब्राइटनेस की तरफ दिख रही है ना, हल्का सा लाइट शायद इसे हम, ये टिंट है वैसे तो कलर अभी काम ही नहीं आएगा, शीन है। यहाँ पे एक हल्की सी लाइट दिख रही है, मैं उसको प्रोनाउंस दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये क्लियर कोट, यहाँ पे एक हल्की सी लाइट दिखती है, हाँ ये शैडो में देखेंगे हम। यहाँ पर शैडो में अगर मैं क्लियर कोट को बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो ये हल्की सी जो टिंट आ रही है ना वाइट कलर वाली, वो होता है क्लियर कोट। कार के पेंट की, पेंट मारने के बाद कार के ऊपर एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ाया जाता है, फर्नीचर पे भी चढ़ाते हैं हम, फर्नीचर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो वो क्लियर कोट होता है। अरे भाई सिंपल सी बात है, क्लियर कोट, क्लियर मतलब ट्रांसपेरेंट, कोट का मतलब वो वाला नहीं जो हम आंख पे पहनते हैं या फिर सुप्रीम वाला कोट नहीं, कोट का मतलब जो हम पेंट मारते हैं। ये रफनेस का इस्तेमाल करके हम उसे रफ या फिर क्लियर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई क्लियर कोट की और शीन की। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ेंगे हम ट्रांसमिशन की तरफ। उसके लिए एक ख़ास चीज़ हम क्या करेंगे, बंदर के पीछे करेंगे, इसका नाम सुजैन है। आउटलाइन चालू करके यहाँ पे ट्रांसमिशन अगर मैं क्लिक करूँगा, ये रिफ्रैक्शन की तरह काम करता है, मैं फुल कर दूँगा तो ऐसे लगेगा डार्क हो गया ऑब्जेक्ट। अब उसका अच्छी तरह से इफ़ेक्ट देखने के लिए मैं रफनेस को कम करूँगा, और इसका अच्छी तरह से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे रेंडर प्रॉपर्टीज, क्योंकि ट्रांसमिशन यहाँ से डायरेक्ट नहीं दिखेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मटेरियल का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया के लिए बना हुआ है, ये पूरे के पूरे दुनिया पे एक साथ काम करने के लिए। यहाँ पे स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन क्लिक करेंगे हम, अभी जो है इसके रिफ्लेक्ट, ये जो प्लेन है उसके रिफ्लेक्शन मंकी के चेहरे पर दिख रही है, और ये जो रिफ्लेक्शंस है ये तो दिख ही रही है, पर वो जो ब्लू है, ब्लू बॉल और जो रेड क्यूब, वो देखने के लिए मैं जी दबाऊंगा और वाई दबा के इस मंकी को बॉक्स की तरफ लेके जाएंगे। अब जो है बॉक्स चमक के दिख रहा है, तो वो हमें मिलता है इसका इस्तेमाल करके। और यहाँ पे ये एक्चुअली बंद होता है, अब हम इसे टिक करेंगे तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्टिवेट होता है ब्लेंडर के अंदर, पर उसका प्रोमिनेंटली दिखने के लिए